तो राम राम भाई सारा ने, स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे ब्लॉग नहीं आ रहे, तो भाई उसका एक रीज़न है मैं छत्तीसगढ़ में हूँ फिलहाल, हूँ PVR भिलाई में। तो मैंने मूवी देखी है भाई आदि पुरुष, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ भाई। मैं असल में रिव्यू करता नहीं हूँ किसी मूवी का, लेकिन मैंने आज तक जितनी भी मूवी देखी है उनमें सबसे बेकार मूवी लगी है मेरे को आदि पुरुष। उसमें क्या गलतियाँ हैं, वो पूरी मूवी ही भाई एक गलती है। उसमें हमारे श्री राम भगवान का जो अपमान किया है, रावण को भी इतना अच्छा दिखाया था जो 35 साल पहले रामायण आई थी, हनुमान जी भी इतने अच्छे थे मतलब पवित्र थे, वो भी इतने वल्गर बातें कर रहे हैं मूवी में। रावण के भाई यहाँ कट लगा दिए, बोल रहे हैं कि न्यू जनरेशन के ऊपर है रामायण। तो भाई न्यू जनरेशन के ऊपर रामायण है तो आप हमारी सनातन धर्म की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो कि उसमें कुछ डायलॉग हैं। एक तो जैसे वो है जब हनुमान जी की पूछ में आग लगाई जाती है तो बोलते हैं जली ना, नहीं तेरी जली ना, जिसकी जलती है वही जानता है। और हनुमान जी कहते हैं भाई कि मतलब मेरा क्या जला इसमें, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेबी तेरे बाप की, मतलब इस तरीके के डायलॉग है भाई, वल्गर डायलॉग जो हनुमान जी मतलब बोल ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, वो डायलॉग हनुमान जी उसमें बोल रहे हैं। ये मतलब भाई ब्रेन वॉश वाली बात है कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जैसे जो ब्रेन वॉश करने के लिए मूवी बनाई हुई है। और एक ये डायलॉग था भाई, मेरे एक सपोले ने तुम्हारा शेष नाग लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी है। एक ये डायलॉग था कि जो हमारी बहन को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे, मतलब इस तरीके के डायलॉग्स हैं भाई। और सोने की लंका थी रावण की, वो काली लंका दिखा रखी है मतलब। और शिव जी का इतना बड़ा भगत था रावण, वो वेल्डर बना रखा है, अपनी तलवारें थोड़ी से ठीक कर रहा, वो वेल्डर मारा मास्क पहन के, ब्रेन वॉश करने के लिए बना रखे भाई पूरी फिल्म। हिंदू सनातन धर्म का मतलब डिसरिस्पेक्ट है। मैंने आज तक इतनी मूवी देखी है भाई, मैं तो सिनेमा में जाके मूवी देखना मेरा शौक है कभी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ। आज तक मैंने जितनी भी मूवी देखी है भाई, मेरा तो मतलब आज तक की सबसे घटिया मूवी है ये। और 600 करोड़ रुपये की बना रखी है, 6 करोड़ का भी स्वाद नहीं आया इसमें। सिर्फ एक VFX अच्छे थे, लेकिन VFX भी इतने भर रखे हैं ठूस ठूस के कि वो एक तरफा गंदे लग रहे हैं। इससे अच्छा तो ना ही बनाओ भाई फिल्म। 600 करोड़ किस क्या रकम होती है 600 करोड़, वो 6 करोड़ की मूवी भी नहीं लग रही। श्री राम को मूछे लगा रखी हैं, ना रावण को मुकुट है, 10 सर हैं, वो 5 यहाँ 5 यहाँ VFX के द्वारा, एक माला दूसरे माले पे चढ़ा रखे सिर भी। नहीं मतलब साबित क्या करना चाह रहे हो, आपको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है तो, और ये वल्गर बातें हैं। इतनी गंदी मूवी यार, आज तक मैंने रिव्यू नहीं किया है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे रिव्यू नहीं किया है। हाँ मैं लिखता ज़रूर हूँ, देसी अल्फाज नाम से चैनल है मेरा शायरी का, लिखता ज़रूर हूँ मैं, लेकिन हाँ मैंने कभी भी मतलब किसी मूवी के बारे में इतना तो कभी नहीं बोला ही नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ। और मेरा ये व्लॉग का चैनल है, मैं इसलिए इस पर रिव्यू डाल रहा हूँ, पहली बार डाल रहा हूँ और मे भी शायद लास्ट बार हो मेरा। इतनी गंदी मूवी यार, सोच ही नहीं थी मैंने भाई, इतनी हाइप थी इसकी ट्रेलर के बाद भी, मतलब लोगों ने एक टाइप पे सोच लिया था कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन इस मूवी में भाई 1% भी कुछ अच्छा नहीं है यार, मतलब हद है 0% मूवी है। सीता माता ये कंधे तक का पहन रखा है, और वो शबरी के जो बेर खाए थे, श्री राम भगवान खुद गए थे शबरी के पास, और उसमें शबरी खुद आ रही है, बोल रही है प्रतीक्षा कर रही मैंने आपकी, और प्रतीक्षा करके खुद आ गई शबरी। श्री राम भगवान गए थे शबरी के पास, और वो हनुमान जी बूटी लेने गए जब लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़े थे, विभीषण की पत्नी ने कब इलाज कर दिया भाई लक्ष्मण जी का, वो तो लंका से वो डॉक्टर लेके आए थे ना हनुमान जी, विभीषण की पत्नी ने कब इलाज किया। न्यू जनरेशन की रामायण बना रहे हो यार, मतलब कुछ तो सोचो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। न्यू जनरेशन की रामायण बना रहे हो ठीक है, वो इतना बड़ा मतलब प्लांट लगा दिया आपने जूस निकालने का लक्ष्मण जी को दवाई दिलाने के लिए, वो लक्ष्मण विभीषण की पत्नी को देख लो, मेघनाथ को देख लो भाई, सस्ता WWE सुपरस्टार लग रहा है वो, बाल इतने लंबे लंबे टैटू भरे पड़े हैं सारे शरीर पे, मतलब चल गया रहा भाई, क्या सोच रखा है। रावण के यहाँ कट लगा रखे हैं,
हद है भाई। मैं तो मतलब गलतियां क्या निकालूं, गाने अच्छे हैं भाई। एक सबसे अच्छी चीज लगी मेरे को थोड़े बहुत VFX और गाने। आराम से आराम से आराम, ओए होए क्या गाना है यार, ऑसम गाना है, फील आ गई यार गाने में। गाने बढ़िया हैं, गाने बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं गाने है। लेकिन मूवी जीरो है भाई, मैं तो कह रहा हूँ मत देखो। और रेटिंग कितनी दूंगा मैं इसको, मैं भाई अपनी रेटिंग भी ख़राब नहीं करना चाहता, रेटिंग वर्ल्ड ही ख़राब हो जाएगा। गाने की वजह से ले लो, 1% 2% 1-2 नंबर गाने की उससे ले लो, या मेहनत है, पैसे बर्बाद यार। इतने पैसे में कितनी मूवी बन जाती। अरे पैसे लगा रहे हो, अच्छी मूवी तो बनाओ कम से कम भाई। चलिए कोई नहीं, बाकी जिसकी जैसी सोच, मैं तो कह रहा हूँ भाई मत देखो। और शायद इतनी बुरी फिल्म होती तो मैं कभी देखता भी नहीं। व्लॉग कंटिन्यू हो जाएंगे भाई, मैं हरियाणा जाते ही व्लॉग कंटिन्यू हो जाएंगे। तो फिर चैनल को प्यार दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना दोस्तों के पास ये रिव्यू, और बोलो उनको कि मत देखें। मिलते हैं भाई फिर आपको किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय श्री राम, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।